इक्वेशन क्या है बेटा, साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, वन प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स है। तो अब इसका मुझे इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे बेटा, लेट वन प्लस कॉस एक्स को टी मान लेंगे, तो वन प्लस कॉस एक्स को टी। अब हम क्या करेंगे बेटा, टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड, टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड, हम दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे, तो क्या होगा, वन का जीरो होगा, कॉस एक्स का क्या होगा बेटा, माइनस साइन एक्स, ठीक है, कॉस एक्स का क्या क्या होगा, माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है बेटा। तो यहाँ से हम माइनस को उस साइड ले जाएंगे, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी टी हो जाएगा, ठीक है, हमने इस निगेटिव साइन को उधर भेज दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे पुट करेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा तो साइन एक्स और डी एक्स क्या हो दिख रहा है आपको, साइन एक्स डी एक्स क्या हो गया, माइनस डी टी हो गया। तो चलिए अब हम इसको माइनस बाहर लिख देते हैं, माइनस डी टी हो गया, और वन प्लस कॉस एक्स क्या है, वन प्लस कॉस एक्स क्या बेटा, टी है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, टी का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अब तो हम पावर फंक्शन की तरह इसको सॉल्व करेंगे, कैसे, टी के पावर माइनस टू प्लस वन, माइनस टू प्लस वन, ठीक है, यही होगा प्लस सी। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको हम एज ए टी लिख सकते हैं, माइनस टी के पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन प्लस सी, ठीक है। अब ध्यान से देखो बेटा, टी के पावर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो टी के पावर माइनस वन प्लस सी हो गया, ठीक है। अब इस टी को हम लिख सकते हैं वन अपॉन टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू कितना है बेटा, टी की वैल्यू मुझे कितना माना है, वन प्लस कॉस एक्स माने हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं वन अपॉन टी के जगह पर, हमने टी के जगह पर जो भी हमने माना उसको पुट कर दिया वन प्लस कॉस एक्स, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं,